हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए हैं, करण भाई ये बताइए हमें डर क्यों लगता है। मैं आपको बताने वाला हूँ आपको डर कैसे ख़त्म करना है, आपको डर क्यों लगता है। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, और आप लोग कभी भी ये मत सोचना मुझे कौन सिखाएगा। आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो, ये सोचो मेरा एक भाई है यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, चलो चलते हैं उसके वीडियो पर कमेंट करते हैं, और कमेंट की रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा, जितने सारे मैंने स्टंट सीखे हैं मैं आप लोगों को स्टंट सिखाऊंगा। मुझे चाहे जितनी वीडियो बनाना पड़े मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट करो। आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप सभी को थैंक्स। और आप लोग अपने भाई की हेल्प भी कर रहे हो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे, आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपको बताता हूँ डर क्यों लगता है। इसलिए लगता है, आप लोग सबसे पहली बात, आप लोग सेफ्टी का नहीं ध्यान देते हो, और फिर आप लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, और फिर आप लोग स्टंट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, और आप लोग गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आप लोग दोबारा नहीं करते हो। ये डर वाली बात हो गई। आप लोग मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग जैसे सेफ्टी का ध्यान देते हो और एक्सरसाइज भी कर लेते हो, और फिर आप लोग स्टंट की प्रैक्टिस भी करते हो, एक बार आप लोग गिर जाते हो आपको चोट नहीं लगती तो आप लोग दोबारा करते हो, आपको फिर भी चोट नहीं लगती तो आप लोग तिबारा करते हो, करते जाते हो आपको आ जाता है। और जैसे आप लोग सेफ्टी का नहीं ध्यान देते हो और आप लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, डायरेक्ट स्टंट करने लगते हो और आपको लग जाता है, और आप लोग दोबारा करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, डर इसीलिए लगता है। तो आप लोग ये दो बातों को ध्यान रखना, और आपको यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ जंप हाई करने के लिए, आप लोग बहुत जल्द स्टंट सीख जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रकार खड़े हो जाना है, और आपको नीचे को और लचना है, जितना हो सके आप लोग झुका दो अपनी बॉडी को, इतने से आपको नीचे को और झुकाना है। इससे क्या होगा, आपके जो पैर के मसल्स होते हैं ये लूज हो जाएंगे, आपके पैर में एक अलग सी ताकत आ जाएगी। आप लोग जानते हैं आपके यहाँ के जो ये मसल्स होते हैं लूज हो जाएंगे, तो आपकी जंप हाई हो जाएगी। आपको इस प्रकार करना है, आप लोग देख लो, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको करना है, ऐसे जितना हो सके आपको अपनी बॉडी को नीचे को लचाने की कोशिश करना है। आप लोग जितना कर लेते हो उतना ही करना, आप लोग इसमें जोर जबरदस्ती ना करना, आप लोग धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस प्रकार खड़े हो जाना है, और ऐसे करके आपको ऐसे बैठना है। आप लोग इस प्रकार नहीं कर पाते हो तो आपको अपने दोनों हैंड ऐसे एक आगे लगा लेना है, एक पीछे ऐसे करके, और आपको इस पैर पर भी करना है ऐसे करके। आपसे इतना नहीं होगा, और आप लोग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आपसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार खड़े हो जाना है, एक पैर आपको ऐसे करके रखना है, एक पैर ऐसे सीधा रहेगा, देख सकते हो ऐसे करके। आपसे पहली बार नहीं होगा, मगर आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है। आप लोग ऐसे हैंड अपने कर सकते हो ऐसे करके, आप लोग इतना कर लेना। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके करना है, और आपको पंजों मैं अपने बॉडी का बैलेंस लाना है पंजों पे। अब आपको क्या करना है, रनिंग करना है, दौड़ना है दरे पे, चाहे तो आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके करना है, ये एक्सरसाइज आपको करना। आपको ये करना, अब आपको क्या करना है, आपको सीधे खड़े हो जाना है, हैंड ऐसे रखना है डाउन, यहीं से हैंड भी ऊपर की ओर ले जाना है, और आपको अपने पंजों से जंप करना है ऐसे करके, ऐसे। ऐसे आपको करना। अब आपको क्या करना है, अपनी नी को चेस्ट में टक करना, अपने घुटने को छाती पे छुआना है। ऐसे करके आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके करना है।
आपको इस प्रकार करना है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको ये जो जंप की एक्सरसाइज बताई, पहली तो हो गई बैक फ्लिप, दूसरी हो गई फ्रंट फ्लिप, अब ये जो मैंने अभी करके दिखाया साइड स्लिप के लिए, आप लोग ऐसे कर लेना। अब आपको क्या करना है एरियल वेबस्टर के लिए बता रहा हूँ। पहले तो आप लोग अपने पैर को फ्री कर लीजिए ऐसे करके, जितना आपसे होता उतना कर लो, दोनों पैर पर आपको करना है। ऐसे कर लो। अब आपको क्या करना है एक पैर से जंप एक पैर से किक करना ऐसे करके, जितना हो सके अपने पैर को पीछे को ओर करो और एक पैर से जंप ऐसे। अब आपको इस पैर पे भी करना। अब आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ऐसे करके आपको नीचे बैठ जाना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बैक हैंड स्प्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है और बैक फ्लिप के लिए भी। ऐसे करके ये आर पर जंप जिसे हम कहते हैं इसे आप लोग कर लो। आप लोग इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेना। अब यहाँ पर आपको और कुछ मैं बताने वाला हूँ। आपको ऐसे कर लेना ऐसे करके। अब आपको फ्रंट रोलिंग कर लेना ऐसे करके, ऐसे दोनों हैंड यहाँ पकड़ेंगे और ये, अब ये दोनों हैंड अपने हम जमीन पर रखेंगे और ऐसे ही आगे की ओर कुल्हाड़ी खेल जाएंगे। ऐसे कर लीजिए। अब आपको क्या करना है देखो, यहाँ पर हम ऐसे करके करेंगे, जो साइड स्लिप में रोलिंग करते हैं आपको वो करना ऐसे करके ऐसे। दोस्तों जो मैंने जंप की एक्सरसाइज बताई आपको, इतनी एक्सरसाइज जरूर करना स्टंट करने से पहले। आप लोग चाहे बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहे हो या आप लोग फ्रंट फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको चाहे आप लोग एरियल चाहे वेस्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको इतनी सारी एक्सरसाइज करना है कर लीजिए। और फिर आप लोग स्टंट की प्रैक्टिस करना और आप लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान देना, फिर आप लोग देखो कितनी जल्द आप लोग स्टंट सीखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय।